नार्कोटिक्स की टीम मुंबई रवाना, शौविक से सीबीआई की पूछताछ शुरू। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आपका बिग हेडलाइंस पर। और सुशांत सिंह राजपूत केस में गुरुवार को सातवें दिन भी सीबीआई की जांच फिलहाल जारी है। अब तक इस मामले में कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। रिया के तार ड्रग डीलिंग से जुड़े होने की खबर के बाद से नार्कोटिक्स ब्यूरो ने रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी ने बताया कि दिल्ली से एक टीम ड्रग से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए फिलहाल रवाना हो चुकी है। जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं रिया के भाई शौविक से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम सुबह सुबह सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी जांच एजेंसी शौविक से पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले सीबीआई की टीम दो गाड़ियों में, आपको बता दें कि इलाके में स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी और इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर रही है। रिया ड्रग चैट के सामने आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया है। उनके साथ ही भाई शौविक, टैलेंट मैनेजर जया साहा, गौरव आर्या समेत रिया के कई दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि एनसीबी के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है जो मुंबई के लिए रवाना भी हो चुकी है और इसके बाद ही मुंबई की एनसीबी टीम को भी निर्देश दिया गया है कि वह मुंबई में ड्रग पेडलर्स की पहचान शुरू कर दें। इसके साथ ही मुंबई की टीम को बॉलीवुड नेटवर्क पर भी ध्यान लगाने को कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कैमरे पर कहा है कि रिया हत्यारी है, वह उनके बेटे को काफी वक्त से जहर दे रही थी, उसको और उसका उसके साथ ही देने वाले को सभी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ये सुशांत सिंह के पिता के सिंह खुद कह रहे हैं, वह भी कैमरे के सामने उन्होंने साफ तौर पर यह बयानबाजी की है। आप भी बताइए आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।